लोड एम शूट, मतलब कि गोली भरो, निशाना लगाओ और दाग दो। इस छोटे से लाइन के साथ में अजय देवगन का जो मोशन पोस्टर, मतलब त्रिपलाल मूवी के अंदर अजय देवगन का जो नया लुक हमको देखने को मिला था, वो बवाल था, बेमिसाल था। उस लुक को देखने के बाद में पूरे के पूरे ट्रेलर को देखने का जो एक्साइटमेंट लेवल था ना, वो वहीं की वहीं दब करके भस्म हो गया है। क्योंकि इस मूवी की जो शूटिंग है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है ड्यू टू कोविड की जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब देखो, इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो वैसे तो 13 अक्टूबर 2021 की है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि ट्रिपल आर मूवी हमको 13 अक्टूबर 2021 को सिनेमा हॉल में देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, कोविड की जो सेकेंड वेव है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है लास्ट ईयर से ज़्यादा, और इस मूवी की जो शूटिंग है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। हालांकि सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। राजा एस एस मौली की जो इन अपकमिंग मूवी है ट्रिपल आर, ये एक अलग लेवल की ब्लॉकबास्टर मूवी होने वाली है जो इंडियन सिनेमा को एक नई लेवल पे लेके जाएगी। और मेरे को लग रहा है कि इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज होने के बाद में इंडियन जो सिनेमा है वो अपनी एक अलग पहचान बना पाएगा। लेकिन इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो मेरे को लग रहा है कि शायद आगे जाकर के और भी आगे बढ़ाई जाने वाली है, क्योंकि अभी तक इसके ट्रेलर की जो रिलीज डेट है वो कंफर्म नहीं हो पाई है। लोगों का जो प्रेडिक्शन था वो ये था कि RRR मूवी का जो छोटा सा ट्रेलर है वो आपको अप्रैल मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा। इनकी प्लानिंग कुछ ऐसे थी कि पहले सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उसके बाद में इसका जो ऑफिशियल ट्रीजर है वो रिलीज किया जाएगा। लेकिन अप्रैल के मंथ में आपको मोशन पोस्टर के अलावा उसका कोई भी ऑफिशियल ट्रीजर देखने को नहीं मिला और ना ही इसका जो ट्रेलर है उसको लेकर के अभी तक कोई भी नया अपडेट सामने निकल के आया है। बट अगर रूमर्स की माने तो इस मूवी का जो ट्रेलर है वो आपको मई मंथ के अंदर भी देखने को नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि मई मंथ के अंदर आपको आलिया भट्ट का छोटा सा मोशन पोस्टर देखने को मिल जाए, या फिर और भी दो चार मूवी के जो छोटे छोटे मोशन पोस्टर है वो आपको देखने को मिल जाए। लेकिन इस मूवी का जो ट्रेलर है, इस मूवी का जो ट्रीजर है वो आपको जून जुलाई से पहले देखने को नहीं मिलने वाला। और देखो, इस मूवी की हाइप इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों के पास वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इस मूवी का जो एक्साइटमेंट लेवल होने वाला वो मतलब क्या ही बात करें उसके बारे में, बिल्कुल अलग होने वाला है। और अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो तो इस बार का जो 2021 है वो कम्प्लीटली साउथ इंडस्ट्री के नाम ही होने वाला है, क्योंकि इस बार हमको कितने बड़े बड़े बजट की कितनी बड़ी बड़ी मेगा स्टार वाली मूवीज देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले हमको पुष्पा देखने को मिलने वाली है, इसके अलावा रवि तेजा की खिलाड़ी मूवी देखने को मिलने वाली है, ट्रिपल आर देखने को मिलने वाली है, बाहुबली 3 के ऊपर काम किया जा रहा है, थोड़े टाइम पहले धनुष की कर्णन मूवी आई थी, उससे पहले विजय सेतुपति और विजय तालापति की मास्टर मूवी ने धमाल मचाया था। मतलब कि इस बार का जो पूरा साल है वो साउथ इंडस्ट्री के नाम होने वाला है। एक तरफ साउथ की इतनी सारी अच्छी मूवीज और उनके ट्रेलर टीजर हमको कंटिन्यू देखने को मिलते जा रहे हैं। बॉलीवुड की बात करें तो इतने लंबे टाइम के बाद में इन्होंने राधे मूवी का ट्रेलर डाला था, और उस ट्रेलर के डालने के बाद में दो धज्जियां उड़ी है। उस ट्रेलर के डालने के बाद में जो मूवी के गाने रिलीज किए हैं उनकी जो धज्जियां उड़ी है उसके बारे में क्या ही बात करें। लेकिन खैर, वापस आते हैं RRR मूवी के बारे में। तो इस मूवी का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो अगर रूमर्स की माने तो आपको जून जुलाई से पहले देखने को नहीं मिलने वाला। कि जैसे भी ट्रिपल आर को लेकर कोई नया अपडेट निकल के सामने आएगा तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अपडेट है इस मूवी को लेकर के मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर कहीं से भी घूमते फिरते आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करना ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।